तो कल बीसीसीआई मीटिंग में क्या हुआ एग्जैक्टली दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्टेबलिक बैचलर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे क्रिकेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, और जो क्रिकेटर्स के साथ मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ यहाँ पे, जिससे यह एक मेरा मोटिव है कि आपका कुछ ना कुछ क्रिकेट में हो सके, आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज यहाँ से मिले। तो यार, जो कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूं इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली बीसीसीआई मीटिंग में, क्या बड़े फैसले लिए और मतलब उसके साथ ही साथ इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में क्या हुआ एग्जैक्टली, और मतलब अभी कौन से स्टेज पे है ये भी सारे देखेंगे। और आज ही से एक मुकाबला चालू होने वाला है दोस्तों, वो कौन सा भी बड़ा मुकाबला है वो भी उसके बारे में भी जानते हैं, और भी कई सारे बड़े बड़े अपडेट्स आए और मैं यहाँ पे सारे शेयर करूंगा, तो वीडियो आखिर तक देखते रहना। तो दोस्तों, जैसे कि सबको आपको मालूम है कि कोरोना के चलते हुए इंडिया में बहुत ही थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, स्पोर्ट्स का भी बहुत सारा, अभी बैक टू नॉर्मल आने में बहुत ही टाइम लगेगा, और कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं पुणे और मुंबई में। तो इसी के चलते हुए बीसीसीआई ने एक डिसीजन लिया है, जो कि कल मीटिंग हुए थे उसमें बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि इस साल का आईपीएल जो है वो यूएई में खेला जाएगा दोस्तों। तो यूएई इसलिए किया है फाइनल दोस्तों, मुझे लगता है क्योंकि यहाँ से वहां जाने में फ्लाइट आसानी से मिल सकती है, और यूएई में कुछ भी अभी कोरोना की फैलाव नहीं है इतना, और उस तरह रीजन यही है कि मतलब इंडोर स्टेडियम बहुत है उधर, और मतलब वहाँ क्लोज ऑडियंस मतलब विदाउट ऑडियंस के साथ भी आराम से आईपीएल खेला जा सकता है अगर कोरोना अगर लगातार बढ़ा तो यही एक रीजन है कि यूएई में खेला जाएगा इस साल का आईपीएल दोस्तों। उसमें यह अपडेट है दोस्तों कि मतलब गुजरात में एक स्टेडियम है, उधर प्रैक्टिस करने को मौका दिया जाएगा सारे प्लेयर्स को, बैक टू एक्शन आने में थोड़ा सा मदद की जाएगी उससे, और मतलब मदद मिलेगी सारे प्लेयर्स को, और मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करने को मौका मिल सकता है एक मंथ पहले दोस्तों आईपीएल के। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छी अपडेट सामने आई है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया के बाहर खेला जाएगा आईपीएल इस साल का, यूएई में खेला जाएगा, और मतलब उसके लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो गुजरात के एक स्टेडियम में होगी, ये बीसीसीआई ने कल अपडेट में बताया है दोस्तों एक मीटिंग में। तो उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो सीरीज चल रहा है, तो अभी जो फर्स्ट सीरीज जो है वो अच्छे से जीत लिया था, और मतलब अभी जो सेकंड टेस्ट चल रहा है उसके लिए इंग्लैंड ने एक प्लान किया था थोड़ा सा, बट वो प्लान नाकामयाब रहा दोस्तों। थोड़ा सा जोफ्रा आर्चर को लेने वाले थे इंग्लैंड, बट अभी जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड टेस्ट मिस करेंगे, और ऐसा ही हुआ है दोस्तों। उसके साथ ही साथ अगर मैं बता दूं कि बेन स्टोक्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बहुत ही 176 रन की पारी लगातार के लिए, मतलब बहुत ही एक अच्छी पारी के लिए 176 रन की, और मतलब उसके साथ ही साथ जो ओपनर थे उन्होंने भी एक अच्छा उनको साथ दिया है, तो पार्टनरशिप बहुत तगड़ी हो गई, उसके कारण ही बहुत एक बड़ी टोटल इंग्लैंड ने खड़ी कर दी है दोस्तों। उसके साथ ही साथ अगर बात कर दूं वेस्टइंडीज की बैटिंग की, तो वेस्टइंडीज की एक पहली विकेट गिर चुकी है, तो देखेंगे आज ही क्या होता है एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है अभी इस वक्त इंग्लैंड का पकड़ा थोड़ा सा भारी है, और सेकेंड टेस्ट जो है वो इंग्लैंड जीतने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, दिसंबर में होने वाली थी, तो उसके ऊपर क्या अपडेट आया है ये जान लेते हैं पहले। तो उसके ऊपर जैसे कि आपको सबको मालूम है कि 26 खिलाड़ी यहाँ पे एक निश्चित कर दिए गए थे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्रेटली ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, और मतलब ये चुनौती दी है दोस्तों कि ये बोला है कि विराट कोहली को अगर काबू में कर लो तो फिर बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियन टीम जीत सकती है मुकाबला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि विदाउट कोहली क्या इंडिया जीत सकती है, क्या कैपेबिलिटी है इंडिया में। उसके साथ ही साथ जब गांगुली का ये सवाल पूछा गया था कि बैक टू क्रिकेट आने का कुछ आपका अगर हो तो आप आ सकोगे या फिर नहीं आ पाओगे, तो उसके ऊपर गांगुली ने, हमारे जो दादा है, उन्होंने एक बहुत ही बड़े अपडेट सामने दिए कि उन्होंने कहा है कि अगर मैं खेलना चाहूंगा फिर से क्रिकेट, तो मुझे सिर्फ 3 महीने लगेंगे बैक टू फॉर्म आने के लिए दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा, मतलब पता नहीं कि क्या करेंगे, ऐसे बोला है या फिर मतलब पता नहीं अभी क्या होगा एग्जैक्टली। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि मतलब गांगुली ने बहुत एक क्रिकेट छोड़ के बहुत ही अरसे हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो उनको बेटर पता होगा हमारे से, बट उन्होंने मीटिंग में यही कहा है कि मुझे सिर्फ 3 महीने लगेंगे रिकवरी में। उसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप अभी बिल्कुल भी परेशान होना छोड़ दीजिए, हालांकि इंडिया में बिल्कुल भी देखने का मौका नहीं मिल सकता, बट आईपीएल होगी और आईपीएल की जो शेड्यूल है वो आईसीसी की में एक बार मीटिंग तय हो जाए, उसमें अगर कोई पॉइंट्स जो है डिस्कस हो जाए, तो उसके बाद एक फाइनल डेट यहाँ पे आएगी आईपीएल की,
तो आईसीसी की मीटिंग जो है वो अभी इस मंडे को होने वाली है, तो उसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि अभी एक बहुत ही एक सीरीज अच्छी चालू होने वाली है, जैसे कि 3C क्रिकेट लीग के बारे में आपको सबको पता है ही, साउथ अफ्रीकन एक क्रिकेट लीग होती है जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको स्टार स्पोर्ट्स में देखने को मौका मिल सकता है, जो कि इंडिया में रहते हैं उनको भी डेफिनेटली यहाँ स्टार स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हो। दोपहर 2 बजे से आज से ये मैच चालू होने वाले हैं, और मतलब काफी एक्साइटिंग और रोमांचक मैच रहेंगे, तो डेफिनेटली देखना ना भूलना उसको भी। और जो कि मतलब जैसे कि मैंने बताया कि आईपीएल की कोई ना कोई अगर अपडेट आती है तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने कि यूएई में खेला जाएगा, बट अगर कोई डेट वगैरह फिक्स होती है तो मैं यहाँ पे आपको शेयर तो डेफिनेटली करूंगा ही। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर आप चाहते हो कि आईपीएल इस साल हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।